और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस मौके पर मुख्य यजमान खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो हमारे संवाददाता ने आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी से बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उस मुहूर्त में 22 जनवरी को एक खास ज्योतिषीय संयोग भी बन रहा है। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे ऐसी शुभ घड़ी है जब 6 शुभ ग्रहों का समावेश हो रहा है और यही मुहूर्त चुना गया है। इस वक्त हमारे साथ खुद शास्त्री जी मौजूद है, क्या वो शुभ मुहूर्त है और कितना उसका फल मिलेगा कृपया बताएं। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्यान्ह में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। फिर 24 घंटे में 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं, तो उस दिन यानी 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से, और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। गुरु जी, वो कौन सा समय रहेगा? 12:15 और 1 क्या है वो? कितने? 12:30 के आसपास है। 12:30 के आसपास ये जो समय है, यह कितना महत्वपूर्ण होगा? इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 16 वर्ग चलते हैं उसमें 10 वर्ग अच्छे आ रहे हैं, उसके अनुसार दिया गया है। गुरु जी, कितने वृश्चिक नवांश है तो वृश्चिक नवांश होने से स्थिर रूप में वो मंदिर रहेगा और मूर्ति भी रहेगी। गुरु जी, ये जो मुहूर्त निकला है, कितने ग्रहों का समावेश इसमें हो रहा है? इसमें अच्छे ग्रह 6 हैं, गुरु, केतु, बुध, शुक्र, शनि और चंद्र। गुरु जी, क्या महत्व रहेगा इस पूरा आधे घंटे के कार्य? 5 ग्रह ही अच्छे हो जाएं तो मुहूर्त ले लेते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जब अच्छे हो जाते हैं तो अधिकांश शुभ हो गए, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर 6 ग्रह मिल रहे हैं, अर्थात 2/3 सब शुभ ही कार्य होने का है, तदनुसार मुहूर्त दिया गया। गुरु जी, कितने साल बाद ऐसा मुहूर्त मिलता है? क्या ये ऐसे मुहूर्त जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कई सालों तक नहीं मिलते हैं? भगवान की जब कृपा होती है तब उनके कार्य का जब आता है तो ऐसे मुहूर्त मिलते हैं, सदा नहीं मिलते हैं।